हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग हीट ट्रांसफ़र में अब पढ़ने वाले हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ पुली, और उसके पहले जो पढ़े थे वो था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मैंने कहा था कि इसमें कुछ है, दो तीन लॉ हैं छोटे छोटे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बी एच यू एस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ये तीन लॉज जो है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या फिर विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो लोग आज पढ़ेंगे, ये तीनों लॉज अगर बात किया जाए तो किसी बॉडी के रेडिएशन से ही रिलेटेड है। किसी बॉडी से जो हीट का एमिशन होता है, हीट का जो रेडिएशन होता है, उससे ही सब आपस में रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ पढ़े, तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ हमको क्या बताता है कि कोई कोई अगर हॉट बॉडी है तो उस हॉट बॉडी से जो रेट ऑफ इमिशन है वो क्या होगा, है ना, किस रेट से हीट एनर्जी उससे एमिट होगी, ये हमको बताता है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। अगर सिंपल से बात किया जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की अगर बात किया जाए, तो अब जाहिर सी बात है कि किसी बॉडी से जब हीट का एमिशन होगा, रेडिएशन होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, तो उसके टेम्परेचर में कमी होगी, टेम्परेचर में गिरावट होगी, उसमें कूलिंग होगी, वो ठंडा होगा। तो ये जो टेम्परेचर है वो टाइम के हिसाब से कैसे चेंज करेगा, रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, हर सेकेंड हर मिनट टेम्परेचर में कितना बदलाव आएगा, ये हमको बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सारे सारे लॉज हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये है किससे रिलेटेड, किसी बॉडी के इमिशन से इनका रिलेशन है। तो ये तो हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में जो आज पढ़ेंगे बच्चों, इसका भी रिलेशन किसी बॉडी के जो रेडिएशन के थ्रू, एमिशन के थ्रू एनर्जी बाहर निकलती है उसी से है। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि जब कोई बॉडी से एनर्जी एमिट होती है, एमिशन होता है, तो ये जो एमिशन के वजह से रेडिएशन निकलते हैं अलग अलग वेवलेंथ के, अलग अलग वेवलेंथ के जो रेडिएशन निकलते हैं, उन वेवलेंथ की इंटेंसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, मतलब उसको मिला करके हमको बात जो करनी है वो अगेन उस बॉडी के एमिशन और रेडिएशन की ही बात करनी है इन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, अब क्या होगा बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, तीनों लॉज, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, इनको समझो, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में बैठाओ और इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि इनसे क्वेश्चंस आए तो छूटने ना पाए। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है और कैसे इसको हम लोग समझेंगे, और फिर इसमें लोग क्वेश्चंस करेंगे कि बीच में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, चलो अभी इस ग्राफ को हमको नहीं देखना है। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है, अभी इस पर ध्यान में देना, जब कहूँगा कि भाई देखो तब देखना है। ठीक है, अभी कुछ और बताऊंगा वो देखो। तो सपोज दैट एक बॉडी है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर अपने आसपास के जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फियर है, उसके टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई पढ़ा चुका हूँ तुमको कि बॉडी हर टेम्परेचर पर एमिशन भी करती है और एब्जॉर्प्शन भी करती है। ठीक है, एमिशन ज़्यादा होगा कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये हम सब समझ चुके हैं अच्छे से। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिन बच्चों को इससे प्रॉब्लम है कि एमिशन एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, नेट एमिशन कैसे निकाला जाता है और एब्जॉर्प्शन कैसे निकालेंगे, तो जो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ तुमको ने पढ़ाया है वहाँ पर जाओगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि एमिशन एब्जॉर्प्शन कैसे निकालते हैं और नेट एमिशन कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देख लो, कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो
तो सपोज दैट ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, जो अपने आसपास के सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है। ठीक है, मैं साइंस से बोल रहा हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये बॉडी से इमिशन होने वाला है, जो नेट इमिशन होगा वो बॉडी से होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, मगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि जो एनर्जी है वो एमिट होगी। ठीक है, देर विल बी नेट इमिशन। तो इस बॉडी से एनर्जी का इमिशन हुआ, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लो टी नॉट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर टी नॉट है, जो बहुत कम है। इस बॉडी का टेम्परेचर बहुत गर्म है, बहुत हॉट है, ताकि इस बॉडी से एमिशन होगा रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में इससे एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो होता क्या है, जब किसी बॉडी से इमिशन होता है रेडिएशन के फॉर्म में, हीट एनर्जी बाहर निकलती है, तो ये जो रेडिएशन निकलता है बॉडी से, वो कई अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन होता है। वो ध्यान से बस समझना, ठीक है, कुछ पॉइंट्स अच्छे से समझोगे तो क्लियर है। तो ये जो रेडिएशन होता है वो कई अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि हम सब जानते हैं रेडिएशन की, किसी भी रेडिएशन की पहचान क्या होती है, उसकी वेवलेंथ। भाई वेवलेंथ कोई देख के पता करते हैं कि भाई ये रेडिएशन अल्ट्रावायलेट है कि विजिबल है कि इंफ्रारेड है कि एक्सरे है। भाई किसी भी रेडिएशन की पहचान क्या होती है, उसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ देख के ही कहते हो भाई ये वाली रेडिएशन इस कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो जब यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, एमिशन होगा, तो हर एमिशन का, हर रेडिएशन का वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो इस बॉडी से अलग अलग वेवलेंथ की ढेर सारे रेडिएशन एमिशन के थ्रू बाहर निकलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, रेडिएशन सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे जो एमिशन होगा एनर्जी का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा, जिसको हिंदी में कहें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा, तो भैया उसका वेवलेंथ भी तो होगा, है ना। तो मान लिया कि जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस बॉडी से एक एमिशन हो रहा है, एक एक रेडिएशन निकल रही है विच हैज़ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम। एक दूसरी वेवलेंथ है सपोज दैट 3000 एंगस्ट्रॉम। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वेवलेंथ का रेडिएशन निकलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेडिएशन निकलेंगे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, है ना, अलग अलग वेवलेंथ के ढेर सारे रेडिएशन बॉडी से निकलते हैं। ठीक है, एक और वेवलेंथ मान लेते हैं, एक और रेडिएशन बाहर निकल रहा है जिसका वेवलेंथ है फॉर एग्जाम्पल 4000 एंगस्ट्रॉम। एक और रेडिएशन निकल रहा है जिसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। ये भी एक वेवलेंथ है, रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है मान लो 6000। ये भी एक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ मान लो है 7000 एंगस्ट्रॉम। और ये भी एक वेवलेंथ जिसका रेडिएशन है, इसका वेवलेंथ मान लो है 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सब सबको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये एक बॉडी है जो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट है। तो बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो भाई ये एमिशन करेगा। एमिशन क्यों करेगा पता है, क्यों करेगा, कन्फर्म है ना, सबको पता है कि भाई इसको एटमॉस्फेयर के साथ, याद आ रहा है क्या बताया था, थर्मल इक्विलिब्रियम में आना है। कुछ याद आ रहा है, जब ये बॉडी इस एटमॉस्फेयर के साथ जो उसको घेरा हुआ है उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं आ जाएगा तब तक इसको चैन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के आने के लिए जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, रेट ऑफ एमिशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर हो जाए, उस कंडीशन में आने के लिए इस बॉडी को अपने अंदर से जो एक्सेसिव हीट है, जो ढेर सारा एनर्जी है, वो एमिट करना होगा, निकालना होगा, ताकि ठंडा हो जाए, एनर्जी कम हो जाए और ये इसके साथ एटमॉस्फेयर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल फैक्ट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये बॉडी अपने अंदर से इमिशन करेगा,
एनर्जी बाहर निकल, कैसे बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, जिसको रेडिएशन भी कह सकते हो। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे ये अलग अलग वेवलेंथ के होंगे, रेडिएशन एक दो नहीं होंगे, इससे थाउजेंड्स ऑफ रेडिएशन निकलेंगे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के ढेर सारे रेडिएशन निकलेंगे। उन्हीं में से मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल बता दिया कि फॉर एग्जांपल एक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है 2000, दूसरे का है 3000, फोर्थ, ऐसे करते करते चार पांच तो मैंने बता दिया कि दीज आर द सम रेडिएशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है, उनमें से कुछ मैंने ये लिख दिया, रेडिएशन नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब होता यह है बच्चों कि ये जो रेडिएशन तुम देख रहे हो, ये जितने भी रेडिएशन तुम देख रहे हो और जितने मैं नहीं बनाया हूँ वो सारे, ये सब रेडिएशन की, ध्यान से बात सुनना, ये सब जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इस बॉडी से निकल रहे हैं, इन सब रेडिएशन का इंटेंसिटी इक्वल नहीं होता। अब ये इंटेंसिटी का क्या मतलब है सर, अभी इंटेंसिटी नया वर्ड आप लेते हैं, लेकिन नया वर्ड नहीं है, लेकिन जानते हो कि मुझसे समझाता हूँ मैं क्या होता है इंटेंसिटी। तुम सब फोटॉन्स का नाम सुने हो, सुने ही होगे, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट फोटॉन्स, ठीक है। फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला भी सब पढ़ रखे होगे, इज इक्वल टू सी एच अपॉन लैम्डा या एच न्यू पढ़े होगे, बहुत बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है, बहुत जगह केमिस्ट्री में भी, बहुत जगह उस फिजिक्स से बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। जब कहाँ पर पे, जब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर पढ़ते हो उसमें, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर जब जब पढ़ते हो 12th में उसमें, तो ये फोटॉन्स की बात होती है, केमिस्ट्री में भी लोग पढ़ते होगे इसको। तो फोटॉन्स क्या होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फोटॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी को कैरी करते हैं, एनर्जी को लेकर चलते हैं। भाई इस रेडिएशन में एनर्जी कौन लेकर चलता है, फोटॉन्स। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करने का काम होता है ये फोटॉन्स करते हैं। तो फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स विच कैरी एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब उसमें फोटॉन्स है, ठीक है, वही फोटॉन्स एनर्जी को लेके चल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हम सब ये जानते हैं, ठीक है। चलो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है सर, जैसे ये रेडिएशन है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेडिएशन विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, मैं एक रेडिएशन को पकड़ लिया, ठीक है, जिसका वेवलेंथ कितना था 2000 एंगस्ट्रॉम। अब इसके जो एक फोटोन होंगे, इस रेडिएशन के जो एक फोटोन होगा उसका एनर्जी कितना होगा निकाल सकते हो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, क्लियर है, ठीक है। भाई लैम्डा उसको पता है, पुट कर दोगे, सी पता है, एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट सब जानते हो, निकाल लोगे। तो इस रेडिएशन में जो एक एक फोटोन होंगे उनकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी रेडिएशन का, किसी भी रेडिएशन का तुम फाइंड कर सकते हो। अब होता क्या है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है रेडिएशन के लिए, किसी एक रेडिएशन में, ना सुनना, किसी एक रेडिएशन में जब जब बॉडी से अलग अलग वेवलेंथ एमिट हो रहा है, तो किसी एक रेडिएशन में या किसी एक रेडिएशन के अंदर या किसी एक रेडिएशन से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बाहर निकलते हैं वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। हालांकि इसे पर यूनिट एरिया भी कहा जाता है, मगर मैं तुमको बहुत ज़्यादा अभी मैं उसके स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात नहीं कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ इंटेंसिटी, मैं तुमको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि इंटेंसिटी को तुम कैसे समझोगे, ठीक है। तो किसी रेडिएशन से जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलते हैं हम कहते हैं भाई ये उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। इन सब में, इन सब रेडिएशन, ध्यान सुनना, इन सब रेडिएशन में
जिनका वेवलेंथ 2000 है, 3000 है, 4000 है, 100 है, इन सब रेडिएशन में सबकी इंटेंसिटी इक्वल इक्वल नहीं होती। मतलब कि सभी रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल नहीं होते। जिस रेडिएशन में ये हो, चाहिए हो चाहे कोई भी हो, जिस रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ज़्यादा एमिट होंगे, हम कहेंगे उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे मैं ये कहूँ कि जो 2000 एंगस्ट्रॉम वाले फोटॉन्स हैं उनकी संख्या है 100, ठीक है, सॉरी 100 फोटोन ऐसे हैं जिनका वेवलेंथ कितना है 2000 एंगस्ट्रॉम। मतलब ऐसे भी सकते हो कि 2000 एंगस्ट्रॉम वाले 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं फ्रॉम द बॉडी इन 1 सेकेंड, 3000 एंगस्ट्रॉम वाले मान लो 200 फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाले 200 फोटॉन्स निकल रहे हैं। आठ सौ फोटॉन्स ऐसे हैं जिनकी वेवलेंथ कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉम। यह ऐसे समझो कि 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाले 800 फोटॉन्स इस बॉडी से निकल रहे हैं। इससे मान लो ये 300 है, ये 250 है, ये 150 है, ये 350 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अलग अलग वेवलेंथ वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। जिस रेडिएशन वाले नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज़्यादा होंगे, सुनना, जिस जिस रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज़्यादा निकल रहे होंगे, हम कहेंगे उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा नहीं है, ये सब माई मीन सबकी इक्वल नहीं है। किसी से कि 100 फोटॉन, जैसे जैसे 2000 एंगस्ट्रॉम है इसके 100 फोटॉन निकल रहे, 3000 एंगस्ट्रॉम है इसके 200 फोटॉन निकल रहे, ठीक ठीक है। है। बस सुना, अगर हम वेवलेंथ और इनके इंटेंसिटी में ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। सबसे पहले फिगर को देखना, ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, नीचे वेवलेंथ है, ऊपर इंटेंसिटी है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी देखो इक्वल नहीं है। किसी की इंटेंसिटी कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की ज़्यादा है, किसी की मैक्सिमम है, किसी की फिर घटती गई है। तो अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी अलग अलग है, लेकिन इन सभी वेवलेंथ में से एक ऐसा वेवलेंथ होगा जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। भाई कोई तो ऐसा वेवलेंथ होगा जिसके फोटॉन्स की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो जरा जिधर देख के बताओ, इनमें कौन सा ऐसा वेवलेंथ है जिसके नंबर ऑफ फोटॉन्स सबसे ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। तुम कहोगे सर 4000 एंगस्ट्रॉम वाले, 4000 एंगस्ट्रॉम वाले फोटॉन्स 800 निकल रहे हैं पर सेकेंड, यानी कि इन सब रेडिएशन में 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, सो ऑन, सबकी इंटेंसिटी इक्वल इक्वल नहीं है, किसी कम किसी की ज़्यादा। वही ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया गया है वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच। हर अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी देखो अलग अलग है, उनमें से कोई एक वेवलेंथ ऐसा भी होगा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है भाई। फोटॉन्स तो 2000 वाले भी निकल रहे हैं, फोटॉन्स तो 3000 वाले भी निकल रहे हैं, लेकिन 4000 एंगस्ट्रॉम वाले फोटॉन सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं। तो जिस वेवलेंथ वाले फोटॉन्स सबसे ज़्यादा बाहर निकलते हैं उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, तो एक ऐसा वेवलेंथ होगा जहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम देखो होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको तुमको दिखाऊं, अगर मैं तुमको इसको दिखाऊं, तो दिस इज लैम्डा एम,
ठीक है, लैम्डा एम का मतलब, लैम्डा एम का मतलब वो वेवलेंथ जिसके लिए इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी देखो सबसे मैक्सिमम है, एकदम पीक पर गया है। ठीक है, यही वाला वेवलेंथ ये है 4000। ठीक है भाई, और लोग भी है, और लोग भी है, लेकिन उन लोग की इंटेंसिटी इससे कम है। तो इससे कम वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं ना कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले यहाँ था, यहाँ आ गया, फिर यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, और टेम्परेचर बढ़ाओगे इधर आ जाएगा, और बढ़ाओगे इधर आ जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे जो वेवलेंथ है, कौन वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा। इससे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर गया, कहाँ डिस्प्लेस कर गया, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो वी कैन से लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, एक कांस्टेंट यहाँ पर आता है एंड दैट कांस्टेंट इज B/T, जहाँ B उस बॉडी के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट होगा, लेकिन इफ यू टॉक फॉर अ ब्लैंक बॉडी, अगर मैं एक ब्लैंक बॉडी के लिए बात करें तो बच्चों बी की जो वैल्यू होती है 2.88 × 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है वींस कांस्टेंट, इसको हम लोग वींस कांस्टेंट भी कहते हैं। बी इज कॉल्ड वींस कांस्टेंट, इसको हम वींस कांस्टेंट भी कहते हैं। और फॉर अ ब्लैक बॉडी इस बी की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, एक बार BHO के एग्ज़ाम में, BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम में वींस कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा कि भाई डायमेंशन क्या होगा। अब कई लोगों को पता है भाई वींस कांस्टेंट कहाँ पर आता है, कहाँ ध्यान नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत हाई प्रोफाइल लॉ नहीं है। जो लोग बहुत अच्छे से याद रखे ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये हाई प्रोफाइल लॉ सब नहीं है, तो बच्चों को तो याद नहीं रहता। बट याद करना होगा कि वींस कांस्टेंट हैज़ डायमेंशन मीटर केल्विन, मीटर इज एल, केल्विन इज थीटा, तो एल इंटू थीटा या एल इंटू के बी समवेयर। तो ये हो गया डायमेंशन या यूनिट कह सकते हो किसका, वींस कांस्टेंट की। ये वैल्यू है ओनली फॉर ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग ये वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इस ग्राफ को अच्छे से कॉपी कर लो, इस फॉर्मूले को नोट कर लो, जो डाउट हो उसको बताओ, तो हम जल्दी इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जल्दी क्विक। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइट फ्रॉम सन इज फाउंड टू हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी नियर 470 नैनोमीटर। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने बाद की बात अभी समझते हैं क्वेश्चन क्या है। सन है, ठीक है, सन इतनी अल्ट्रा हॉट बॉडी है कि उससे हर वेवलेंथ का इमिशन होता है। ठीक है, इतना हाई उसका टेम्परेचर है कि सन से हर वेवलेंथ का तुमको रेडिएशन मिल जाएगा, हर वेवलेंथ का। लेकिन हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी इक्वल नहीं होगी, हर रेडिएशन के नंबर ऑफ फोटॉन इक्वल नहीं होंगे, जैसा ग्राफ कहता है। ग्राफ कह रहा है कि हर अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, भले इनफाइनाइट वेवलेंथ सन से निकले लेकिन हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। तो वही कहा है
उस सभी वेवलेंथ में से जो 470 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम, ठीक है नियर, मतलब 470 के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं कह रहा है, 470 के आसपास मान सकते हो कि इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है ठीक है। तो वैसे हम लोग को उस वेवलेंथ से मतलब होता है इसकी इंटेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम। एज्यूमिंग सरफेस ऑफ द सन एज ब्लैक बॉडी, साफ कह दिया है कि भैया सन के सरफेस को ब्लैक बॉडी मान लो, ठीक है मान ले, क्या दिक्कत है। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ द सन, इस सन का जो सरफेस है इसका टेम्परेचर बताओ क्या होगा, उसके सरफेस को ब्लैक बॉडी मान लिया जाए तो इतना ज़्यादा इमिशन करता है कि ब्लैक बॉडी माने कोई हर्जा नहीं है, मान सकते तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस सन के सरफेस को ब्लैक बॉडी मान करके इसके सरफेस का टेम्परेचर बताओ, अंदर कोर का नहीं, कोर का तो बहुत हाई होता है, इसके सरफेस का टेम्परेचर बताओ, ठीक है। तो वो लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग, सो वी नो दैट कि लैम्डा एम इज इक्वल टू बी बाई टी, जहाँ टी क्या होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सरफेस का, और लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ, एंड बी इज वीन्स कॉन्स्टेंट फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है। लैम्डा इज 470 नैनोमीटर, बी इज 2.88 या 8 10 to power -3 बाई टी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बाई टी कैलविन में हमको फाइंड करना है, और ये भी मीटर कैलविन में है तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, नैनोमीटर में है तो 470 × 10 to power -9, सबको पता है चेंज करना, इज इक्वल टू 2.88 10 to power -3 बाई टी। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो इसकी जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली दिस मच केल्विन, यहाँ से टेम्परेचर थोड़ा डायरेक्ट केल्विन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, ऐसे ही क्वेश्चन देखो आते हैं सिंपल प्लेन कैलकुलेशन, बहुत उसमें घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं बन सकते, बहुत प्लेन सिंपल सा फैक्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन तुमको जल्दी मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो जल्दी को चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो BHU BSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसके हिसाब से लोगों को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अब ईयर तो मुझको भी रिकॉल नहीं कर रहा, चेक करना पेपर्स में कहीं ना कहीं मिलेगा तो, है ना। चलो तो क्वेश्चन कह रहा है कि एट 1227 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है अच्छी बात है, अ बॉडी एमिट्स रेडिएशन, रेडिएशन करेगा भाई इतना हाई फाई टेम्परेचर जो है, अ बॉडी एमिट्स रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट 5000 एंगस्ट्रॉम, 1227 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बॉडी का टेम्परेचर है तो उसे ढेर सारा वेवलेंथ निकलेगा अलग अलग इंटेंसिटी का, उसमें से जो 5000 एंगस्ट्रॉम है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कोई एक मैक्सिमम वाला होता है ना वही है वो, ठीक है। इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसके टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देना मतलब और गर्म कर देना है, तो किस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो हम ये पढ़ चुके हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ डिक्रीज करता है, तो जो भी आंसर आना चाहिए उसकी वैल्यू 5000 से कम आनी चाहिए। ये तो कन्फर्म है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, तो वट एवर वेवलेंथ शुड कम शुड बी लेस देन 5000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। करते हैं फिर, सिंस लैम्डा एम इज इक्वल टू
पीटी, ठीक है, तो या ऐसे भी कह सकते हो लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज T2 बाई T1, इन्वर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा 1 पहला कितना वेवलेंथ है, 5000 पुट कर दें, 5000 पहला वेवलेंथ है, दूसरा कितने पर होगा पता नहीं, पहले मैक्सिमम डेंसिटी 5000 पर है, दूसरा कितने पर होगा पता नहीं, पूछा गया। T1, T1 कितना है सर, 1227, तो 1227 को चेंज करो केल्विन में कितना हो जाएगा, तो 1227 प्लस 273, तो प्लस 273 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1500 केल्विन आएगा, 273, ठीक है, 1500 केल्विन, ठीक है। अब उसके टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा 2500 केल्विन। अच्छा एक बात बताओ, देखिए याद है कि नहीं, 1500 में कहाँ गया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करेंगे, इसे केल्विन में चेंज करेंगे कि नहीं बताओ, इसे चेंज करेंगे केल्विन में, भाई इस 1500 केल्विन में हमको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है, क्या इसको हम लोग चेंज करेंगे केल्विन में, नहीं चेंज करेंगे केल्विन में, एक ही बार चेंज करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हो समझाया हो। एक काम करना, कमेंट बॉक्स में सब कोई बताना कि ये तुम्हें कहाँ समझाया है मैंने, किस टॉपिक में समझाया था, किसको याद है किस टॉपिक में समझाया था कि केल्विन में एक ही बार चेंज करते हैं दो बार नहीं। अगर ये 1500 केल्विन है तो प्लस 1000 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो क्या 273 ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, तो 1500 केल्विन प्लस 1000 इज इक्वल टू 2500 केल्विन। कुछ बच्चों को जो क्लास नहीं देखे होंगे इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, तो तुम लोग करोगे क्या, जो बच्चे देखे हैं वो मेंशन करके बताएंगे कमेंट में कि किस टॉपिक में मैंने ये तुमको समझाया था कि केल्विन में एक बार चेंज कर दिया तो फिर दोबारा चेंज नहीं करते, ठीक है, बताना, देखते हैं कौन इस बात को सही आंसर देता है, मैं चेक करूँगा। तो इसको सॉल्व किया जाए, 5 टाइम्स ये कटोगे तो 1000 टाइम्स लैम्डा 2 इज, ये तो होना ही था, ये तो हुआ ही था भैया, 5000 एंगस्ट्रॉम पे पहले था मैक्सिमम, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब जो मैक्सिमम आएगा पहले से कम आएगा, तो होना ही था, ठीक है, तो अब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ होगा दैट विल बी 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर है, तो जल्दी कॉपी कर लो, और जो कहाँ है बताने के लिए कमेंट में बताओगे मैंने कहाँ इसको समझाया था, ठीक है, तो जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करेंगे फटाफट। ओके फाइन, चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ, थर्ड करा है, टू स्टार्स एक्स एंड वाई, दो स्टार की बात हो रही है, ठीक है भाई, स्टार्स का टेम्परेचर बहुत हाई फाई होता है, तो उनसे ही इतना ज़्यादा इमिशन होता है कि इन सब बातों की इम्पोर्टेंस उन्हीं में ज़्यादा होती है, स्टार्स में ज़्यादा बात करते हैं इसकी। तो टू स्टार्स एक्स और वाई, कोई भी दो स्टार है एक्स और वाई, इमिट मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ दिस मच और दिस मच है, स्टार एक्स 4800 एंगस्ट्रॉम पर मैक्सिमम इंटेंसिटी देता है और स्टार वाई 6000 एंगस्ट्रॉम पर मैक्सिमम इंटेंसिटी देता है, ठीक है, मतलब स्टार एक्स में ढेर सारे वेवलेंथ हैं, उनमें से 4800 एंगस्ट्रॉम वाले वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। स्टार वाई से भी खूब ढेर सारे वेवलेंथ निकलते हैं, लेकिन उस खूब ढेर सारे वेवलेंथ में से 6000 एंगस्ट्रॉम वाले वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये कहा जा रहा है, जैसा कि पढ़े हम लोग ग्राफ में, इफ टेम्परेचर ऑफ
स्टार वाई इज़ दिस मच, स्टार वाई का टेम्परेचर दिया है 5800 केल्विन, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्टार एक्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो करते। तो एज वी नो दैट लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी लैम्डा एक्स बाई लैम्डा वाई इज इक्वल टू TY/TX, वो सारे तो पर दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा एक्स मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ है 4800 अपॉन लैम्डा वाई, लैम्डा वाई इज 6000। ठीक है, TY मतलब भाई स्टार वाई का टेम्परेचर, तो स्टार वाई का टेम्परेचर है 5800, TX मतलब स्टार एक्स का टेम्परेचर। कैंसिल डाउट, 12 4 जा 12 5 जा, TX कितना हो जाएगा 5 × 5800/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7250 केल्विन इज योर आंसर। ठीक है, हाँ कह सकते हो तुम स्टार को हम लोग ब्लैक बॉडी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सिंपल बहुत बेसिक्स, मगर तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये चीज़ तुम समझ गए तो इसमें कोई बहुत खास दिक्कत तुमको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 20 डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये थे इस पे क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में तुमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे हम लोग, तो आगे की बात करेंगे। और अच्छे से प्रिपेयर करो, जो कहा है कमेंट में उसको बताना, देखूंगा मैं कौन किसको कितना याद है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से प्रिपेयर करो, हम लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, PHU का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जितने वक्त तुमको मिल रहे हैं इस वक्त पूरा और पूरा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगो, और कुछ भी फालतू बात नहीं सोच रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, जो टाइम है उसी में करेंगे, जो होगा हमारे हाथ में नहीं है, जितना टाइम है जो है, जब भी से स्टार्ट किया अब तक कुछ नहीं पढ़ा है छोड़ो, नहीं पढ़ा हटाओ, अब से पढ़ेंगे, अब से शुरू करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई डाउट हो तुमको पता है क्या करना है। ठीक है, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, खेलो कूदो। ठीक है, थैंक यू।